नमस्कार, मैं विराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। इन दिनों महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अभी तक तो सिर्फ महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के रेप और हत्या के मामले ही देखने को मिलते थे, वहीं अब देश में कोने कोने से लव जिहाद के मामलों ने भी हड़कंप मचा रखा है। इस घिनौने अपराध को अंजाम देने वाले दरिंदे पहले तो भोली भाली लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं, उसके बाद उनका यौन शोषण कर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। और इसमें सबसे गंभीर बात तो यह है कि ऐसी वारदातों को अंजाम देने के लिए इनका निशाना मुख्य तौर पर हिंदू युवतियां होती हैं। देश के कई राज्यों में ऐसे अपराधियों को सजा देने के लिए कानून भी बनाए गए हैं, जो हर रोज इन अपराधियों पर शिकंजा कस रहा है। लेकिन इन दुष्कर्मियों को ना तो जेल का डर है और ना ही किसी कानूनी कार्रवाई का। इस बीच मध्य प्रदेश में भोपाल के सीहोर जिले से ऐसा ही एक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसे जानकर आप भी दहल उठेंगे। बता दें, इच्छावर में ऐसे ही एक दरिंदे का मामला सामने आया है, जिसका नाम शाहरुख खान बताया जा रहा है, जिसकी उम्र महज 22 साल है। इस दरिंदे ने 11 अक्टूबर 2020 को एक 14 साल की किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म कर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार तो किया, लेकिन मामले में पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज नहीं गया, जिसके बाद वो हैवान शाहरुख सिर्फ एक महीने ही जेल में बिताने के बाद हाईकोर्ट से जमानत लेकर बाहर आ गया। कानून की रक्षा कर रहे भक्षकों की इस लापरवाही के चलते उसने फायदा उठाया और जेल से बाहर आते ही 31 दिसंबर को उसने एक बार फिर से उसी किशोरी को अगवा कर बलात्कार किया, जिसके बाद किशोरी जैसे तैसे घटनास्थल से भागी तो आरोपी शाहरुख उसके घर पर पहुंच गया और बोला कि किसी को भी कुछ भी बोली तो कोठे पर बिठा दूंगा। इसके बाद किशोरी अपनी मां के साथ इच्छावर थाने पहुंची तो पुलिस ने मामला दर्ज करने से साफ इनकार कर दिया। फिर दोनों चाइल्ड हेल्पलाइन टीम के पास गई। टीम ने थाने पहुंचकर पुलिस को किशोरी के साथ दोबारा हुई ज्यादती के मामले में एफआईआर करने को कहा, लेकिन थाना पुलिस ने मना कर दिया। इसके बाद चाइल्ड हेल्पलाइन टीम बाल कल्याण समिति के पास गई। समिति के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने 2 जनवरी को मामला दर्ज कर लिया और कार्रवाई शुरू कर दी। मामले की जानकारी देते हुए समिति के अध्यक्ष कृपा शंकर चौबे ने बताया कि मामला नाबालिग पीड़िता का था, फिर भी पुलिस ने आरोपी पर पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज नहीं किया। समिति ने एसपी को पत्र भी लिखा और पूछा कि पॉस्को एक्ट की धारा क्यों नहीं लगाई गई, हालांकि अभी तक इसका कोई जवाब आना बाकी है। समिति के पास पहली एफआईआर की कॉपी भी है, जिसमें पॉस्को एक्ट कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं है। आरोपी अभी भी फरार है। समिति ने किशोरी और उसके माता पिता को सुरक्षा प्रदान करते हुए भोपाल में शेल्टर दिया है। अब अगर देखा जाए, इस मामले में दुष्कर्मी तो शाहरुख खान है, लेकिन शाहरुख से बड़ी गलती उन भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों की है, जिन्होंने उस बच्ची को न्याय दिलाने में ना केवल लापरवाही बरती बल्कि तथ्यों के साथ छेड़खानी भी की। तो दरिंदे शाहरुख के साथ इस मामले में उन कानून के दलालों को भी सख्त सजा दी जानी चाहिए। इस खबर पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें वीके न्यूज एमपी। धन्यवाद।